दोस्तों कई बार ऐसे होता है कि चलते फिरते उठते बैठते सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में तेज दर्द होता है, जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, जिससे ना तो हम दिन भर का कोई काम अच्छे से कर पाते हैं और शरीर में अलग से ही कमजोरी, बार बार शरीर में दर्द होता रहता है। और आज के समय में घुटनों का दर्द, ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि दुनिया की लगभग 19% आबादी दोस्तों इससे बहुत परेशान है। और इसके पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं, जिसमें से मुख्य कारण है शरीर में कैल्शियम की कमी। दोस्तों बच्चे बड़े हर किसी में आज के समय में कैल्शियम की कमी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जहां एक समय पर हमारे बड़े बुजुर्ग दिन भर काम करते नहीं थकते थे, आज के समय में हर किसी के शरीर में कहीं ना कहीं जोड़ों में से दर्द निकलता है और मुख्य कारण है शरीर में कैल्शियम की कमी। और इसके लिए दोस्तों आज हम ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसमें आपको केवल 3 चीजों का सेवन करना है और ये 3 चीजें आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को तेजी से पूरा करेंगी, क्योंकि इसका प्रयोग हमारे बड़े बुजुर्ग लंबे समय से करते आ रहे हैं, जिससे ना तो उनके कभी जोड़ों में दर्द होता था और ना ही कभी शरीर में कैल्शियम की कमी। आपको इसे कैसे तैयार करना है आइए देखते हैं। दोस्तों इस नुस्खे से जुड़े किसी भी तरह के सवाल, कोई भी शरीर में कैल्शियम से जुड़ी जानकारी चाहिए, आप कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो उपाय है, इस उपाय को दोस्तों हम 2 अलग अलग तरीकों से ले सकते हैं। आपको जो सा सही लगे आप वैसे इसे लीजिए। इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर 3 चीजें चाहिए, जिसमें से पहली है ये खसखस। खसखस दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही साथ इसमें थायमिन और कैल्शियम पाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। हड्डियां मजबूत करने के साथ साथ नींद आने की समस्या वाले लोगों के लिए दोस्तों खसखस बहुत फायदेमंद है। इसे लेने से नींद अच्छी आती है। आपको यहाँ पर 4 चम्मच एक खसखस एक खाली बाउल में लेनी है। इंग्लिश में दोस्तों हम इसे पॉपी सीड भी कहते हैं। आप यहाँ पर ये 4 चम्मच लीजिए और फिर हम इसमें डालेंगे ये बादाम। विटामिन और मिनरल से भरपूर होने के कारण बादाम दोस्तों न केवल हड्डियां, साथ ही साथ चेहरा, हमारे बाल, तेज दिमाग और दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है कि बच्चों के दिमाग और हड्डियों के विकास के लिए बादाम बहुत फायदेमंद है। आपको यहाँ पर बादाम कितने लेने हैं आप देख लीजिए। आपको दोस्तों गिनती के यहाँ पर 16 बादाम लेने हैं। आप 16 बादाम लीजिए और यहाँ पर इसमें डाल दीजिए। बादाम दोस्तों आपकी अच्छी क्वालिटी के और उसमें तेल भरपूर मात्रा में होना चाहिए। और आखिर में हम यहाँ पर लेंगे ये सफेद तिल को। जोड़ों हड्डियों में चाहे कैसा भी दर्द हो, कितनी भी दर्द और उसमें आवाज आती हो, उसके लिए दोस्तों तिल बहुत फायदेमंद है, क्योंकि तिल जो है एक सप्लीमेंट की तरह हमारी हड्डियों के लिए काम करते हैं। और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होने के कारण दोस्तों बुढ़ापे तक भी इसके सेवन से हमारी हड्डियों में किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता। हम यहाँ पर सफेद तिल को दोस्तों 4 चम्मच लेंगे। इस खुराक को हमने दोस्तों यहाँ पर 4 बार के लिए बनाया है, यानी कि 4 बार में आपको इसे पूरा खत्म करना है, जिससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। आप इसे मिक्स करने के बाद ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करने के बाद ये हमारा पाउडर तैयार हो गया है। इसे प्रयोग करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर 2 तरह से इसे ले सकते हैं। पहले के लिए आपको यहाँ पर चाहिए पानी। आप दोस्तों यहाँ पर इस तरह से गुनगुना पानी लीजिए और उस पानी में आपको इस खुराक के यहाँ पर 2 चम्मच डालने हैं। आप 2 चम्मच इस खुराक को डालिए और डालने के बाद आप इसे चम्मच से हिलाइए। 1 से 2 मिनट तक हिलाने के बाद आप दोस्तों रात भर इसे पड़े रहने दें। आप रात को इसे बनाइए और सुबह तक ये हमारी खुराक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। अगर आप सुबह ऑफिस जाएंगे, काम जाएंगे, कहीं जाने से पहले सुबह खाली पेट इसे ले सकते हैं और दिन भर की थकान, जोड़ों में होने वाला दर्द, कैल्शियम की कमी से 2 से 3 बार लेने से ही पूरी तरह से ठीक होना शुरू होगी और दिन भर के काम के बाद आपको किसी तरह की कोई थकावट भी नहीं होगी। और दूसरा तरीका इसे लेने का है, उसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए दूध। आप दोस्तों 1 गिलास दूध में इस खुराक के 2 चम्मच डालिए और धीमी आंच पर उसे गर्म कीजिए। आप इसे धीमी आंच पर गर्म करने के बाद दूध को उबाल दीजिए और दूध जब अच्छे से उबल जाए तो ये हमारी खुराक इस तरह से मिल जाएगी। जो लोग भी इस खुराक को दूध के साथ ले सकते हैं वो दोस्तों इसे दूध के साथ लीजिए, लेकिन जिन्हें दूध नहीं पसंद वो इसे पानी के साथ ले सकते हैं। बच्चे, बड़े, जवान, शरीर में किसी भी तरह की कैल्शियम की कमी हो, घुटनों के दर्द को ये उपाय पूरी तरह से दूर करेगा। दूध के साथ भी आप इसे सुबह खाली पेट या फिर दोपहर के खाने खाने के 1 घंटे के बाद आप इसे ले सकते हैं। इस पूरी खुराक को दोस्तों आपको 4 बार में खत्म करना है और फिर देखिए आपके शरीर में कैल्शियम की कमी कैसे दूर होने लगेगी। ना तो चलते फिरते समय किसी तरह की कोई समस्या होगी, ना ही सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय आपके घुटनों में किसी तरह का कोई दर्द होगा और दिन भर का काम आसानी से आप कर पाएंगे। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें।